टरी सभी पे अभी डिस्काउंट चल रहा है और इसके लिए यू कैन यूज द कूपन कोड वाई सिक्स फाइव नाइन जिसके थ्रू यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फर्दर डिटेल्स आई गिव बाई दी एंड लेट्सिंग फर्स्ट तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दै दिस सेशन इज गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू वॉट डू यू नीड टू डू वाइल अप्लाइंग अप्लाई करने से पहले कोई प्री रिक्वेड चीज़ें होती है जो आपके पास तैयार होनी चाहिए तो वो क्या क्या है अप्लाई करने की जो फीस है आर बी आई ग्रेड बी में वो एस टी एस सी पी डब्ल्यू बी डी के लिए हंड्रेड रुपीज़ विथ जी एस टी और जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू सी के लिए एट फिफ्टी विथ जी एस टी है ना अगली बात जो है कि आपका लास्ट डेट नाइन्थ ऑफ जून है पर हमें नाइन्थ ऑफ जून का इंतज़ार नहीं करना है हमें आने वाले एक हफ्ते में अपना फॉर्म फिल कर देना है और ये फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी तो आपको लगेगा अपना फ़ोटोग्राफ लेफ्ट थर्म इंप्रेशन हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन और सिग्नेचर ये जो आपका फ़ोटोग्राफ है इसका एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होना चाहिए तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ आपके फोटोग्राफ का डायमेंशन जो है वो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू थ्री पॉइंट लेंथ 3.5 पॉइंट ब्रेथ और फोटोग्राफ आपका रीसेंट होना चाहिए कलर फोटो होना चाहिए पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और अगर आप मेरे तरह चश्मा पहनते हैं तो मेक श्योर कि इस पर ग्लेयर ना पड़े ग्लैर यानी ये चमके ना लाइट से और रेड आई इफेक्ट ना हो जाए कभी कभी आप चश्मा जब नहीं भी पहनते तभी भी ऐसा होता है कि आ, आपकी आंखों में एक रेड कलर की कुछ लाइट बन जाती है तो वो ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे फोटो की साइज क्या होनी चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस सो इट शुड बी अराउंड ट्वेंटी टू फिफ्टी के बी 50 के बी से ज़्यादा अगर 51 भी हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं है 20 से कम अगर 19 के हुआ तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आप स्कैनर से इसी तरीके से स्कैन करेंगे जो आपका हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन है वो ये है आप चाहें तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप एग्जैक्टली exactly इसी चीज़ को ब्लैक कलर की इंक से लिख लें अपने एक वाइट पेपर में जो आपको अपलोड करने में हेल्प कर सके आपका जो सिग्नेचर है ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए कैपिटल uh, लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए so, और जो आपका लेफ्ट थर्म इम्प्रेशन है वो स्मज ना हो जाए वो ऐसे हिल ना जाए वो क्लियर होना चाहिए ओके गोइंग फर्दर अगर बाकी चीजों का हम uh, देखें कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है तो सिग्नेचर एंड लेफ्ट थर्म इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक पेन जो आप साइन करेंगे ब्लैक पेन से करेंगे ताकि वो साफ साफ दिखे ब्लू और उसके बाद जो आपका लेफ्ट थर्म इम्प्रेशन है वो या तो ब्लैक पेन या तो ब्लू ब्लू इंक से अब भी एक बात याद रखो दोनों में ब्लैक ही यूज कर लेना ताकि क्लियरली स्कैन हो जाए बहुत बार ब्लू इंक के साथ दिक्कत होती है कि वो क्लियरली स्कैन नहीं हो पाता है आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो व्हाइट पेपर में ही लिखना है येलो पेपर में तो कोई लिखोगे नहीं और जो आपका सिग्नेचर एल और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो किसी और का मत कर देना अपना ही लगाना कन्फ्यूज मैं तो जाना कि दोस्त का भी रखा हुआ है मेरे पास लेफ्ट हम इंप्रेशन उसका गलती से डाल दिया ये मत करना ठीक है आपके कॉल लेटर में आपका फाइनल साइन जाने वाला है तो उस चीज का ध्यान रखेंगे अच्छा जो आपका uh, सर सिग्नेचर एंड लेफ्ट हेम इम्प्रेशन शुड बी बिटवीन 20 टू 50 के बी जो आपका सिग्नेचर और लेफ्ट हेम इम्प्रेशन जो आपका सिग्नेचर है वो 10 टू 20 के बी आपका लेफ्ट हेम इम्प्रेशन जो है 20 टू 50 के बी और आपका हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन जो है वो 50 टू 100 के बी के बीच में होना चाहिए ठीक है तो टेन टू ट्वेंटी साइन के लिए लेफ्ट थम के लिए जो है आपका दैट इज़ ट्वेंटी टू फिफ्टी और हैंड रिटर्न के लिए फिफ्टी टू हंड्रेड आपकी जो भी इमेज है वो ट्वेंटी के बी से ऊपर नहीं होनी चाहिए सिग्नेचर के लिए फिफ्टी के बी फॉर लेफ्ट इम्प्रेशन हंड्रेड के भी फॉर हैंड रेट एंड डरेशन ठीक है आपका कैपिटल लेटर्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे ना ही सिग्नेचर में ना ऐसा मत करना कि हैंड रेट एंड डरेशन पूरा पूरा कैपिटल्स में लिख दिया ऐसे मत करना कर्स यू राइटिंग जो स्मॉल हैंड राइटिंग नॉट करस यू नेसेसरिली उसमें लिखना है इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाँ जी जब आप ये अपलोड करेंगे तो आपके पास सेपरेट सेपरेट लिंक्स आएंगे लेफ्ट एक जगह करना है साइन एक जगह करना है फोटो एक जगह करना है एस के एग्ज़ाम में शायद होता है कि फ़ोटो और साइन को अगल बगल एक साथ करना पड़ता है शायद अपलोड बट ऐसा यहाँ पे नहीं है यू डोंट हैव टू डू दैट हैविंग सेट दैट आपको बता दें कि आप हमारे आर ग्रेड बी के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं डबल वैलिडिटीज़ अराउंड द कॉर्नर नाउ तो डबल वैलिडिटीज़ हैज स्टार्ट हैज़ बिगिन नाउ तो आप वाई सिक्स फाइव नाइन कोड यूज करके डबल वैलिडिटी का फायदा उठाते हुए बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक में एनरोल कर ले अपने आप को जब आप एनरोल करेंगे मेक श्योर दैट यू यूज द कोड वाई सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और जब आप हमारे इस बैच में एनरोल करेंगे मिशन आरबीआई ग्रेड बी विच इज बाय द वे अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी महापैक एंड बैंक महापैक प्लस आई विल पर्सनली टेक केयर ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगर आपको जानना है हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कितना अच्छा है तो आई कैन ऑल्स

और ये सारी बातें समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को बाय एंड टेक केयर